यस, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट क्या है बताओ मेरे को, 1948। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, मैं आपको ना एक बार टेस्ट दे देती हूँ। मैम क्या चीज का टेस्ट? आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, फैक्ट्रीज एक्ट पूरा करेंगे, पूरा तो नहीं होगा भाई, लेकिन हाँ वी आर गोइंग टू कवर 70% ऑफ द चैप्टर टुडे। ठीक है, फिर इसके अलावा पता है क्या करेंगे, ये रहा इंस्टीट्यूट का मैट, इससे पूरा मार्किंग करेंगे। फिर आपके लिए ना खूबसूरत रेडी है मेरे लिए, देखो ना हैंड रिटन नोट्स कितना ब्यूटीफुल है, देखो सब कुछ रेडी, अलॉन्ग विद द चार्ट्स, अलॉन्ग विद द कॉलम्स, एवरीथिंग इज रेडी हियर। फिर इसके अलावा पता है आप लोगों के लिए क्या रेडी है, आप लोगों के लिए रेडी है खूबसूरत सा डिजिटल नोट्स। हाँ, खूबसूरत सा क्या रेडी है बताओ, डिजिटल नोट्स, जिसको बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो मैम आपने डिजिटल नोट्स भी बना डाला क्या, और नहीं तो क्या, तुम लोग के लिए सब कुर्बान, तुम लोग के लिए सब कुर्बान। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ कितना ब्यूटीफुल और कलरफुल नोट्स रहने वाला है आज के सेशन का, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, पूरा का पूरा जो है ना बहुत ही खूबसूरती से हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं, क्लियर है? पूरा आपको मैं लेकर जाऊंगी फैक्ट्री में, उड़ीसा के फैक्ट्री में विजिट करेंगे आज। मैम उड़ीसा चलेंगे क्या आज? हाँ, वर्चुअली, वर्चुअली जाएंगे, फिजिकली नहीं जाएंगे, वर्चुअली जाएंगे। और उड़ीसा के फैक्ट्री में लेबर लोग को कैसे सेफ्टी मेजर्स एंश्योर किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, सो देख रहे हो ये सब हो गया डिजिटल नोट्स, तो हैंड रिटन नोट्स दिखाएंगे, डिजिटल नोट्स दिखाएंगे, इसके अलावा इंस्टीट्यूट का मैट दिखाएंगे, इसके अलावा मैं लिख लिख कर आपको पढ़ाऊंगी, इसके अलावा जो मैट ऑलरेडी आपके पास इश्यू है वो दिखाएंगे। अरे भाई रिसोर्सेस सारा ही है, आपको बस उसको ग्रैब कर लेना है, एक्सप्लॉइट कर लेना है। इसके लिए 100% एनर्जी लेवल चाहिए, कितना एनर्जी लेवल चाहिए बताओ ना, 100%। ठीक है, तो मैम 100 क्या हम 200% देंगे, 100 क्या 200% देंगे। यस, एक बार ना शाउट आउट दे देते यूट्यूब वाले बच्चों को भी, ठीक है, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। यस, गुड मॉर्निंग अक्षय, गुड मॉर्निंग तेजस, प्रथा, सुमन, त्रासिम, मुस्कान, पूजा, सुमन, यशवी, रौनक, आरजी गेमर, ओके रौनक, थैंक यू सो मच रौनक फॉर द काइंड वर्ड्स, इट मीन्स अ लॉट। रैंडम वर्जन, क्या क्या नाम रखते हैं बच्चे यूट्यूब में पता नहीं। संस्कृति, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट्रीज एक्ट। मैम चालू करने के पहले ये तो बता दीजिए कितने मार्क्स का रहेगा? अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स का आता है ये चैप्टर? 5 मार्क्स। तो क्या 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? बूंद बूंद से तो घड़ा भरता है, क्लियर है? तो 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ मैम इंपॉर्टेंट है, हाँ मैम इंपॉर्टेंट है। यस, आकृति आज आप क्लास यहां पे कर सकते हो। ओके, मैं आपको बीच में एक बार वेबसाइट भी दिखा दूंगी, अभी बच्चे जो है जुड़ रहे हैं। ठीक है, 200 लाइक्स का टारगेट है मेरा, उसको फुलफिल कर दीजिए, हिट द लाइक बटन गाइज, हिट द लाइक बटन। ठीक है, हिट द लाइक बटन। चलो, फेस टू फेस वाले बच्चे फेस टू फेस क्लासेस रेगुलरली करें, जो बच्चे फेस टू फेस में आए हैं इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, डिसिप्लिन मेंटेन करें। अभी मुझे पता है बहुत जोश में हो तो फेस टू फेस आ गए हो, सुबह क्लासेस रखा है यार, उठ के आ गए, आज तो फर्स्ट क्लास था, लेकिन यही जोश मेंटेन रख के रखना है। लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे अगर कोलकाता से हो तो दर्शन दो यहां पर आकर, ठीक है, और अगर लाइव फ्रॉम होम कर रहे हो ना तो प्लीज अपना जो पर्दा वगैरह ना घूंघट वगैरह खोल के बैठा करो, यानी इसका मतलब कैमरा ऑन करके बैठा करो, कैमरा ऑन करके बैठा करो। ठीक है, द मोर वी इंटरेक्ट द मोर वी आर गोइंग टू यू नो अंडरस्टैंड ईच अदर। यस, हाँ चलो, लेट अस स्टार्ट विद अ सेशन, लेट अस स्टार्ट विद अ फायर पैक्ड सेशन, लेट अस स्टार्ट विद अ फायर पैक्ड सेशन। बताओ आर यू गाइज रेडी टू रॉक एंड रोल, टेल मी आर यू गाइज रेडी टू रॉक एंड रोल, यस और नो, कम ऑन। एनर्जी लेवल शुड बी एट द हाईएस्ट लेवल, चरम सीमा पे होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 किसके ऊपर एप्लीकेबल है? मैम अभी हमें कुछ लिखना है क्या? जब लिखना होगा आई विल डिक्टेट, अभी खाली समझो, हम लोग कुछ समझेंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ देखेंगे एंड रिपीट, इससे पूरा लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 किसके ऊपर एप्लीकेबल है? मैंने बोला लेबर्स लोग के ऊपर, किस टाइप के लेबर्स के ऊपर, या किस टाइप के एम्प्लॉइज के ऊपर, या किस टाइप के वर्कर्स के ऊपर जो काम करते हैं फैक्ट्री में, जो कहां काम करते हैं बताओ, फैक्ट्री में। तो यानी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज एप्लीकेबल ऑन द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्री। एक एक करके ना सभी चीजों का डेफिनेशन करेंगे, वर्कर कौन होता है, फैक्ट्री कौन होता है। ठीक है, तो फैक्ट्रीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है बताओ मेरे को, लेबर्स बोल लो या क्या बोल लो, वर्कर्स, जो कहां पर वर्क करते हैं बताओ, हु आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, हु आर वर्किंग इन अ क्या, फैक्ट्री। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, क्या ये सारे के सारे एम्प्लॉयज या सारे के सारे लेबर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्या? सोच के बताओ,
यानी हमारा भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे इंप्लॉयज है, हमारा कितना सारा बैकएंड टीम है, कितने सारे स्टाफ है, क्या सबको ही लेबर हुए हैं क्या, बताओ, टेल मी। यानी मैम लेबर का जो डेफिनेशन है, वर्कर का जो डेफिनेशन है, वो भी क्या फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर मेंशनड है क्या? हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट पता है क्या बोलता है, ऑल द इंप्लॉयज आर नॉट लेबर, ऑल द इंप्लॉयज आर नॉट लेबर, खाली उन लेबर को, उन इंप्लॉयज को हम लेबर या वर्कर बोल सकते हैं जो कि कवर होगा किसके अंदर, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर, प्रोवाइडेड इफ दे आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या, बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, क्या चीज में बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। यानी मैम दो चीज होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और एक बोलो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, और एक क्या बोलो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, दो चीज होता है, बताओ ना, दो चीज क्या होता है बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक क्या होता है बताओ, लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे बताओ, दो चीज होता है, एक होता है क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है, ध्यान से सुनना। सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मैं बात कर रही हूं, यहां पर आप देखते हो मेरा जो सेटअप वगैरह है कौन करके चला जाता है बताओ, कौन करता है फिलहाल के लिए, हाँ भाई पॉपुलर है संतोष जी, इज पॉपुलर, ठीक है संतोष जी सेटअप वगैरह करके जाते हैं, ठीक है। फिर आप देखते हो यहाँ अरुणदा घूमते रहते हैं, देखते हो अरुणदा सुपरवाइज करते रहते हैं आप लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, मैं जब बोलूंगी संतोष जी को या अरुणदा को कि अरे भाई आकर मेरा सेटअप करिए, उन्हें करना पड़ेगा क्या? मैं बोलूंगी कि यार मेरे लिए ना थोड़ा सा चाय लेकर आइए, लाना पड़ेगा क्या? मैं बोलूंगी कि यार अभी ना जो है एसी वगैरह थोड़ा टेम्परेचर ठीक कर दीजिए, उन्हें करना पड़ेगा क्या? मैं बोलूंगी सुबह ना कल जल्दी आ जाइएगा, मेरा सुबह मॉर्निंग क्लास है, अर्ली मॉर्निंग सेशन 8 बजे आ जाना, क्या उन लोग को आना पड़ेगा क्या? क्या आकर इंस्टीट्यूट का देखभाल करना पड़ेगा क्या? सब कुछ, यानी सब कुछ मेरे मुताबिक उन्हें करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, जैसे जैसे मैं सुपरविजन दे रही हूँ, अरुणदा या संतोष जी को वैसे वैसे काम करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर नो, करना पड़ेगा क्या वैसे काम? हाँ करना पड़ेगा क्या? तो हम लोग दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, किन दोनों के बीच में, मेरे में और संतोष जी या फिर अरुणदा, हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जहां पर जो एम्प्लॉयर है, हु इज द एम्प्लॉयर, आई एम द एम्प्लॉयर, हु इज द एम्प्लॉय, संतोष जी या फिर अरुणदा, दे आर द एम्प्लॉय। यानी द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय इज सच दैट द एम्प्लॉयर इज नॉट ओनली गोइंग टू डेलीगेट द वर्क बट विल ऑल्सो असिस्ट विद ऑल्सो सुपरवाइज इन हाउ द वर्क हैज टू बी कंडक्टेड। मैं खाली उन्हें ये नहीं बोल रही हूँ क्या काम करना है, काम कैसे करना है। जैसे अभी आप देख रहे थे सेशन चालू होने के पहले मैंने बोला अरे स्ट्रीम की सेट नहीं किया, करो ऐसे करो वैसे करो, तो यानी मैं उन्हें पूरा क्या समझा रही हूँ, काम करना क्या है और कैसे करना है, ये दोनों चीजों को सुपरवाइज किया जा रहा है क्या? हाँ या ना? सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। यानी 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 टू कीप इट वेरी सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब हुआ व्हेन देयर इज अ मास्टर एंड अ सर्वेंट रिलेशनशिप, देयर इज अ मास्टर एंड अ सर्वेंट रिलेशनशिप, ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, दैट इज कॉल्ड एज क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, दैट इज कॉल्ड एज क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एंड दे आर कॉल्ड एज क्या, लेबर या फिर वर्कर्स। आर वी थ्रू विद दिस, क्लियर है? अब ये वाला जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताया ना, दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू, दिस इज नॉट अ फैक्ट्री, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये बस आपको समझाने के लिए बताया गया कि क्या होता है। अब सुनो ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, डू यू नो MEPL इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स और द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल फैकल्टी फॉर ऑल द सब्जेक्ट टीचिंग अंडर वन रूफ। सुबह से आते हो रात को जाते हो, ग्रुप वन हो ग्रुप टू हो, सारा पेपर यहाँ कवर्ड है, कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ता है, भटकना पड़ता है क्या? अभी टैक्स कौन पढ़ा रहा है, अभी टैक्स कौन पढ़ा रहा है, प्रतीक सर पढ़ा रहे हैं। अब इमेजिन करो प्रतीक सर टैक्स पढ़ा रहे हैं, मैं अचानक से आकर उनको बोलूं प्रतीक सर इधर आइए ना, बोले क्या हुआ मैम, आज आप ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, छोड़िए ना GST क्या पढ़ाएंगे, आज कुछ और पढ़ा दीजिए, चलिए कस्टम पढ़ा दीजिए, आज चलिए वैट पढ़ा दीजिए, समझ आ रहा, वैट तो है ही नहीं अब GST हो गया, कुछ और टॉपिक पढ़ा दीजिए आउट ऑफ द बॉक्स। क्यों मैम, मेरे को जो मन है वही पढ़ाऊंगा, अरे नहीं नहीं आप हम जो बोल रहे हैं वो पढ़ाइए ना, मेरा जो मन है वो पढ़ाइए आप, चलेगा क्या, चलेगा क्या, अरे आज 2 ही घंटा पढ़ाए हैं, आज एक काम करिए ना 4 घंटा पढ़ा दीजिए। क्यों मैम, मेरा मन, मैं बोल रही हूँ, बोलिए मैम आप ना खुद ही संभालिए, आप ही टैक्स भी पढ़ाना चालू कर दीजिए, टाटा बाय बाय मैं चलता हूँ, मानेंगे क्या वो, बोलो ना। तो आपको समझ में आ रहा है, ये ऐसा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर जो लेबर है या जो इंप्लॉई है, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, दे आर द प्रोफेशनल्स, समझ में आ रहा है, उन्हें सुपरवाइज करने का दरकार नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
अब जैसे सपोज करो, आप देखते हो इतने सारे वीडियोस आते रहते हैं हमारे यहाँ हमारे चैनल पे, हम लोग थंबनेल्स लगाते हैं, थंबनेल में डिजाइनिंग करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। अब हमारा जो डिजाइनर है, आपने कभी देखा हमारे डिजाइनर को? ही इज वर्किंग फ्रॉम होम, वो यहाँ नहीं आता। अब मैं डिजाइनर को बोलूंगी नहीं तुमको इतना बजे आना पड़ेगा, तुमको डिजाइन ऐसे बनाना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो भी क्या बोलेगा, मैम आप अपना काम खुद कर लीजिए। तो आपको समझ में आ रहा है, चाहे डिजाइनर हो या फिर ऑडिटर का बात कर लो ना यार, हमारे यहाँ जो ऑडिटर हैं जो ऑडिट कर रहे हैं वो तो अपना समझ में आ रहा है टाइम के हिसाब से आते हैं, ऑडिट करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वैसे काम करते हैं। ऑडिटर का पावर सुप्रीम है। अगर मैं उनको खोजा करती रहूंगी, भाई ऑडिटर भाई आ जाइए ना, चलिए मैं अभी फ्री हूँ, आ जाइए ना मिलकर ऑडिट करेंगे, ऐसे चलेगा क्या? तो वो क्या बोलेगा, भाई मेरा काम मुझे पता है, तुम मत सिखाओ मुझे, आई एम वर्किंग हियर इंडिपेंडेंटली एंड यू आर नो वन टू गाइड मी, सुपरवाइज मी। यू कैन टेल मी द वर्क टू बी डन बट यू कैन नॉट टेल मी हाउ द वर्क हैज टू बी डन। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो यानी यहां पर क्या मास्टर सर्वेंट रिलेशन है कि नहीं है? नहीं है। यहाँ पे क्या इंप्लॉइज अपने आप खुद से काम करते हैं क्या? हाँ, और नहीं तो क्या? इंप्लॉइज आर वर्किंग क्या इंडिपेंडेंटली, इंप्लॉइज आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, समझ में आ रहा है? तो इंप्लॉइज अपने आप काम करते हैं क्या? हाँ। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो दो चीज मैंने आपको बोला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। फैक्ट्रीज एक्ट किसको कवर करता है? उन इंप्लॉइज को जो कि किसमें हमारे संग कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। So only those employees with which we are having contract of service, they are called as labor, they are called as worker, covered under the Factories Act 1948, covered under the Factories Act 1948। बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, यानी ये जो employees है, जो आप बोल रहे हो, जो worker है, जो labor है, उनको पूरा काम बताना पड़ता है क्या, कैसे करना है वो भी बताना पड़ता है क्या, सब चीजों का supervision करना पड़ता है क्या? हाँ, तभी तो क्या बोला गया, contract of service। बी केयरफुल, फॉर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। बताओ क्लियर है कि नहीं? बताओ। यस। अरे ओम पूछ रहा है ये क्या, कौन सा सब्जेक्ट कर रहे? लेबर लॉ कर रहे हैं बाबू, फैक्ट्रीज एक्ट, लेट मत आया करो, लेट मत आया करो। ठीक है, कौन सा टॉपिक कर रहे बताओ? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो ये चीज क्लियर है क्या, फैक्ट्रीज एक्ट किन के ऊपर एप्लीकेबल है? वर्कर्स के ऊपर, या बोलो लेबर के ऊपर, जो कहां पे काम कर रहे हैं? फैक्ट्रीज के अंदर। यानी लेबर किसको बोलते हैं मैम? लेबर या एम्प्लॉय उनको बोलते हैं जो कि किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कोई डाउट है क्या यहां तक? एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, एक चीज और समझना होगा कि मैम आपने ये तो बोला कि ये एप्लीकेबल है उन एम्प्लॉयज के ऊपर जो कि जिनके संग हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। नाउ टेल मी वन थिंग, ये जो लेबर है ना, ये जो एम्प्लॉय है, इनको हमने रखा है विदाउट वेजेस, चलेगा क्या? तो क्या फैक्ट्रीज एक्ट में कवर होंगे क्या? हाँ या ना, बोलो। वर्कर बनने के लिए इट इज इमटीरियल वेदर द पर्सन इज एम्प्लॉयड फॉर रेमुनरेशन और विदाउट रेमुनरेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट बाय एजेंसी पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो रेमुनरेशन या वेजेस मिले या नहीं मिले डज नॉट डिफाइंस कि आप लेबर हो कि नहीं हो। सो इट इज इमटीरियल वेदर द लेबर इज एम्प्लॉयड विथ वेजेस और विदाउट वेजेस, ही विल बी कवर्ड अंडर क्या? द परव्यू ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ही विल बी कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है मैम, समझ में आ गया। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एप्लीकेबल है उन एम्प्लॉइज के ऊपर जो फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन सारे एम्प्लॉइज को हम लोग लेबर या वर्कर नहीं बोल सकते। खाली हम लोग उस एम्प्लॉय को लेबर या वर्कर बोलते हैं जिनके संग एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्या है, मेरे को बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या है? सर्विस। जिनके संग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। आर वी थ्रू विद दिस? सुनना ध्यान से, ये एक्ट क्यों बनाया मैम? जबरदस्ती का एक फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ना, इतना सारा एक्ट कम था क्या? ये एक्ट किस लिए बनाया? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाई व्हाई व्हाई, टेल मी, क्यों एक्ट बनाया गया? ऑब्जेक्टिव क्या बताओ ना, क्यों बनाया गया? ऐसी रात में सपना आया, लेबर लोग के लिए एक्ट बना दिया क्या? फैक्ट्रीज एक्ट 1948, व्हाई व्हाई? हाँ, लेबर लोग के हक को प्रोवाइड किया जा सके। और बताओ, और बताओ क्यों बनाया गया, बताओ ना, बोलो बोलो बोलो। कैन आई से ये एक्ट बनाया गया टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट किसको? वर्कर्स लोग को, लेबर्स को जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इन रिलेशन टू थ्री थिंग्स, टू मेंटेन और टू एंश्योर देयर थ्री थिंग्स। व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स? हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर। क्या बोला मैंने? हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर। तो एक्ट क्यों पास किया गया बताओ ना, क्यों पास किया गया? तीन चीजों के लिए। क्या क्या तीन चीज मैम, बताइए ना, बोलो। नंबर वन, क्या इंश्योर करने के लिए? वेरी गुड, हेल्थ। फिर और बताओ, सेफ्टी, और बताओ, वेलफेयर। किन लोग का?
हाँ, वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री टू प्रमोट एंड क्या प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करना है, ये तीन चीजों को, किसका, ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, ऑफ द वर्कर्स जो कहां काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर। तो वापस से बोलो, फैक्ट्रीज एक्ट कब पास हुआ था, 1948। आपको पता है एक्ट तो भले ही 1948 में आ जाता है बट उसको कॉन्स्टिट्यूट करने में टाइम लगता है, इम्प्लीकेशन करने में टाइम लगता है। सो ऑल्दो इट वाज क्या, फैक्ट्रीज एक्ट का नाम क्या, 1948, बट इट गॉट एप्लीकेबल यू नो फ्रॉम द ईयर 1949, एक साल बाद। कब से हुआ, 1949, 1948, 1947 में तो इंडिया को क्या मिला था, आजादी। इतना पुराना एक्ट है, हाँ, तो इसमें अमेंडमेंट वगैरह नहीं आया होगा क्या मैम, गेस करो, चैट बॉक्स में बोलो ना, अमेंडमेंट वगैरह आया होगा कि नहीं, अमेंडमेंट वगैरह आया होगा कि नहीं, अरे आया ना। दिस एक्ट हैज बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, द एक्ट हैज बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और पता है सबसे ज्यादा अमेंडमेंट कब आया, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट कब आया, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। क्या हुआ था बताओ, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भयानक वाला ट्रेजेडी हो गया था, पता है ना। और ये ऐसा ट्रेजेडी था विच कुड हैव बीन अवॉइडेड, समझ में आ रहा है, बट क्योंकि उस समय कोई कानून नहीं था बोलकर वो हो गया एक्सीडेंटली, तो इसीलिए इस एक्ट को अमेंड किया गया ताकि वो सब हादसा को भी फ्यूचर में रोका जा सके। तो फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास, फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास इन द ईयर 1987, इन द ईयर 1987, समझ में आ रहा है, दिसंबर 1987। वापस से बताओ मैम, ये एक्ट तो इतना पुराना है, क्या इसमें अमेंडमेंट वगैरह आते रहा है क्या, हाँ आते रहा है, अमेंडमेंट वगैरह आते रहे क्या, हाँ आते रहे। तो मैम मेजर अमेंडमेंट कब आया, स्पेशली जब क्या हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी। और ये अमेंडमेंट में क्या बोला गया, कौन सा एक नया एक्ट बनाया गया, क्या फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987 इन दिसंबर। बताओ क्लियर है कि नहीं आता, एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा अब मेरे को आप एक चीज बताओगे कि ये जो एक्ट है ये किसके लिए लाया गया, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो मैम ये जो एक्ट है ना, इसमें एक बात बताइए ना, कितने सेक्शंस है जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, और क्या सेक्शंस का नाम याद करना पड़ेगा क्या, माय आंसर इज नो, ये सब में सेक्शंस का नाम याद नहीं करना है, बट अगर बाय डिफॉल्ट हो जाए पढ़ते पढ़ते तो भाई बहुत ही अलग चीज है, समझ मारे, यानी यू आर वेरी टैलेंटेड, बाय डिफॉल्ट लर्न हो जाए तो अच्छा है, लेकिन क्या एग्जाम में गलत सलत सेक्शन लिख कर आओगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको पता है ना, जो सही आंसर लिखा ना वो भी गलत कर देगा। तो सेक्शन कैन बी अवॉइडेड, फिर भी एक बार बता तो दीजिए कि इसमें हम लोग कितना सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कितना शेड्यूल है, टोटल 3 शेड्यूल है, ये जो एक्ट है ना फैक्ट्रीज एक्ट, दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी शेड्यूल, 3 शेड्यूल एंड 120 सेक्शन, एंड कितना सेक्शन, 120 सेक्शन। बोलो क्या बोला मैंने, ये एक्ट कितना शेड्यूल में डिवाइडेड है, 3 शेड्यूल, और कितना सेक्शन बोला मैंने, 120 सेक्शन। तो मैम पूरा का पूरा 120 सेक्शन लर्न करना होगा क्या हमें, अरे नहीं, बोला तो अभी मैंने आपको सेक्शन का नाम याद करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है, सेक्शन का नाम याद करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। तो एक चीज ये तो बता दीजिए कि ये जो 3 शेड्यूल आपने बोला ना, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, ये शेड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है, ये शेड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट शेड्यूल का ना, तो फर्स्ट शेड्यूल में पता है क्या लिखा हुआ है, वो सारे इंडस्ट्रीज का लिस्ट है विच आर हैजर्डस इन नेचर, हैजर्डस प्रोसेस समझते हो क्या होता है, विच इज इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, समझ में आ रहा है। मान लो कि तुम कुछ ऐसा केमिकल वगैरह बना रहे हो जिससे क्या है ना, बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, हैजर्ड क्रिएट हो सकता है वर्कर्स को, वर्कर्स का लाइफ कैन बी एंडेंजर्ड। कुछ ऐसा धुआंधार गैस बना रहे हो जिसको सूंघने से ना हो सकता है कि तुम्हारे बॉडी में पूरा पॉइजन भर जाए, कोई पॉइजनस गैस से डील कर रहे हो, तो ये सब क्या हो गया, हैजर्डस इंडस्ट्री, एक्सप्लोसिव्स वगैरह कोई इंडस्ट्री है, हैजर्डस इंडस्ट्री। सो यानी शेड्यूल 1 के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, बताओ फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या मेंशनड है, हैजर्डस इंडस्ट्रीज का लिस्ट, क्या मेंशनड है बताओ ना, हैजर्डस इंडस्ट्रीज का लिस्ट, कोई डाउट है, ठीक है समझ गए, हैजर्डस इंडस्ट्रीज का लिस्ट कहां पे मेंशन है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है। एक बात बताओ, आपको पता है ये जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं ना, इसमें से कुछ एमिशंस होते हैं, कुछ एमिशंस निकल के आते हैं, तो ये जो एमिशंस निकल के आ रहे हैं ना, अगर आप इसमें ब्रीथ करोगे ना, तो हो सकता है बहुत सारे डिजीज आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो। सो वॉट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ दीज एमिशंस विच इज अलाउड इन अ वर्क एनवायरमेंट, उसको स्पेसिफाई किया गया कि अगर आप ये चीज बना रहे हो ना, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है, समझ में आ रहे। ये कहां के लिए वैलिड है, उन इंडस्ट्रीज के लिए जो अजीब अजीब टाइप का ना केमिकल बना रहे। कभी स्मेल किया कोई केमिकल को लाइफ में, अरे क्या नहीं किया, किया तो होगा, एसिड वगैरह नहीं देखते हो कितना डेंजरस है, अरे घर में फिनाइल वगैरह यूज करते हो, अजीब सा स्मेल नहीं आता है क्या, तो ये सब क्या है, केमिकल ही तो है ना, डिटर्जेंट, स्मेल है कि नहीं अजीब सा, तो डिटर्जेंट इंडस्ट्री है या केमिकल इंडस्ट्री है, ये सब हार्मफुल चीज बना रहे, भयानक वाला स्मेल आएगा। आपको पता है ये सब सूंघने से क्या होगा, इनहेल कर रहे हो ये सब आप, तो ये सब केमिकल्स आपके बॉडी में क्या हो रहे, जा रहे कि नहीं जा रहे,
तो ये बेसिकली शेड्यूल टू क्या बताता है, परमिसेबल लिमिट, क्या बताता है मेरे को बताओ, परमिसेबल लिमिट, किसका परमिसेबल लिमिट बताओ, ये सारे केमिकल्स का जो कि इंडस्ट्री में है, क्लियर है। तो मैम थर्ड शेड्यूल क्या बताता है वो भी बता दीजिए ना, लास्ट क्या बच गया मेरे को बताओ, थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल क्या बताता है बोलो। एक आपने मैम बोला कि किस किस इंडस्ट्री से क्या हो रहा है, हैजार्ड क्रिएट हो रहा है, दूसरा कितना परमिसेबल एमिसेबल लिमिट है, तीसरा अगर ये इनहेल कर लोगे, गैस इनहेल कर लो ना कभी भी कोई पॉइजनस गैस, क्या होगा आपको समझ में आ रहा है। क्लोरोफॉर्म पिक्चर वगैरह नहीं देखते हो क्या, वो लोग जो होते हैं चोर स्मगलर क्या करते हैं, कुछ स्मेल करा के तो बेहोश करवा देते हैं, तो गैस ही तो है, तो यानी ये सब पॉइजनस गैस अगर इनहेल करोगे तो कोई डिजीज भी हो सकता है क्या। तो क्या लिस्ट है नोटिफाइड डिजीजेस का, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड डिजीज, तो किसमें बताया गया है, थर्ड शेड्यूल। नोटिफाइड डिजीज का नाम किसमें बताया गया है बोलो ना, थर्ड शेड्यूल, कोई डाउट है क्या। अब जैसा कि आपको पता है ना कि 20% क्या हो गया ऑब्जेक्टिव, तो ये सब आ सकता है ना, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या है, तो बोलो ना वापस से, पूरा एक्ट को कितने शेड्यूल में डिवाइड किया गया है, 3 एंड हाउ मेनी सेक्शन, 120। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोला गया, लिस्ट ऑफ क्या, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजर्डस प्रोसेसेस, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजर्डस प्रोसेसेस। नंबर 2, परमिसेबल लिमिट ऑफ सर्टेन केमिकल्स बीइंग यूज्ड इन द वर्क एनवायरमेंट। नंबर 3, शेड्यूल 3 क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ कौन सा डिजीज, नोटिफाइबल, लिस्ट ऑफ कौन सा डिजीज, नोटिफाइबल। कोई डाउट है क्या यहां तक, बताओ क्लियर है कि नहीं, यस आकृति बिल्कुल करो। चलो एक बार पूरा यहां तक रिवाइज करते हैं, स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से बता दीजिए ना मैम, हम लोग थोड़ा गजनी टाइप के हैं, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, व्हाई आर यू सो सीरियस, यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, यस, सो टेल मी, आई वॉन्ट एवरी वन, ईच एंड एवरी वन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी टू स्पीक, ओके। चलो मेरे को बताओ क्या क्या मैंने बोला, फैक्ट्रीज एक्ट कब पास हुआ था बताओ, 1948, इन एक्ट कब से हुआ था, 1949 टू बी मोर एग्जैक्ट, अप्रैल 1949। क्या इसको बार बार बीच बीच में अमेंड वगैरह किया जाता है क्या, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट कब आया, कौन से इंसिडेंट के बाद, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब आया, क्या पास किया गया, फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987 दिसंबर, क्लियर है। फिर एक बात बताओ, फैक्ट्रीज एक्ट किसके लिए एप्लीकेबल है, उन वर्कर लोग के लिए, उन एम्प्लॉइज लोग के लिए हु आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, क्या एवरी एम्प्लॉय इज अ लेबर, एवरी एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, नो, कौन सा लेबर कवर्ड है, कौन सा लेबर कवर्ड है, हाँ जिसके संग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है बोलो ना, मास्टर सर्वेंट रिलेशन, मास्टर सर्वेंट रिलेशन, एम्प्लॉयर ना कि खाली ये बताता है कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब कौन बताता है, एम्प्लॉयर, तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में जो इंप्लॉइज है ना, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। मैम क्या दरकार था इसका यार, सब तो अच्छा खासा चल ही रहा था, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री, ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री, बताओ आर वी थ्रू विद दिस ऑर नॉट। टोटल एक्ट के अंदर कितने शेड्यूल्स हैं, 3, कितने सेक्शन है, 120। फर्स्ट शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, लिस्ट ऑफ क्या, हैजर्डस प्रोसेसेस, इंडस्ट्रीज इंडल्जिंग इन हैजर्डस प्रोसेसेस। नंबर 2, शेड्यूल 2 किसके बारे में बात करता है, यस परमिसेबल, किसका परमिसेबल लिमिट, केमिकल्स का जो डिस्चार्ज हो रहा है कहां पे, वर्क एनवायरमेंट में। शेड्यूल 3, लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड डिजीजेस, सुपर माइंड ब्लोइंग एक्सीलेंट, बताओ आर वी थ्रू विद दिस ऑर नॉट, कोई डाउट है यहां तक, एकदम क्लियर है यहां तक। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, अच्छा एक चीज बताना, यहां पे बोला गया ना कि ये जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है ना, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज एन एक्ट फॉर द कंसोलिडेशन एंड द अमेंडमेंट ऑफ द लॉज रेगुलेटिंग टू द लेबर, जो बताया वही तो बोला, बस इंग्लिश डाल दिया, इंग्लिश डाल दिया, क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और अमेंड कर रहा है लॉ को रिलेटिंग टू वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री। तो फैक्ट्रीज एक्ट का ना आपके मैट में पहला डेफिनेशन दिया है, फैक्ट्रीज एक्ट इज अ एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग द लेबर, बोलो ना मेरे साथ, फैक्ट्रीज एक्ट इज अ एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग द लेबर वर्किंग इन द फैक्ट्री,
याद हुआ क्या? वापस बोलो, फैक्ट्री एक्ट इज एन एक्ट पास टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग द लेबर वर्किंग इन द फैक्ट्री। कोई डाउट है क्या यहां तक? एब्सोल्युटली क्लियर है नॉट? बताओ क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है मैम, ये समझ में आ गया। चलिए अब चालू हो जाइए। ये बताइए फैक्ट्री क्या होता है भाई? अभी आपने बोला कि भले ही आपने एग्जांपल दिया अरुणदा का, संतोष जी का, लेकिन ये फैक्ट्री नहीं है। तो फैक्ट्री क्या होता है वो बताइए ना। फैक्ट्री क्या होता है? फैक्ट्री का मतलब क्या है? सुनो ध्यान से, फैक्ट्री का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट्री का मतलब बोलता है तीन चीज। फैक्ट्री का मतलब बोलता है तीन चीज। सबसे पहला पॉइंट बोलता है फैक्ट्री तब होगा व्हेन देयर इज अ प्रीमाइसेस। देयर इज अ प्रीमाइसेस, प्रीमाइस होना जरूरी है। फैक्ट्री बनने के लिए क्या होना जरूरी है? प्रीमाइस। फैक्ट्री बनने के लिए क्या होना जरूरी है? प्रीमाइस। सो देयर मस्ट बी अ प्रीमाइस, देयर मस्ट बी अ प्रीमाइस। कोई डाउट है क्या यहां तक? तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? फैक्ट्री बनने के लिए क्या होना जरूरी है? प्रीमाइस होना जरूरी है क्या? हाँ। दूसरा, प्रीमाइस के अंदर ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना जरूरी है। देयर मस्ट बी अ प्रीमाइस एंड देयर मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देयर मस्ट बी अ प्रीमाइस एंड देयर मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वापस से बोलो, फैक्ट्री होने के लिए मैंने अभी तक दो चीज लर्न करवाया, क्या एक प्रीमाइस होना जरूरी है? क्या बोलोगे? नहीं, हम लोग ऑनलाइन फैक्ट्री खोलकर बैठे? ऑनलाइन फैक्ट्री सुना है क्या कभी? प्रीमाइस, फिजिकल प्रीमाइस होना चाहिए क्या? हाँ। बोलोगे नहीं, हम लोग ऑनलाइन सामान बना ले रहे। अरे सामान ऑनलाइन बेचा जा सकता है, बनाया जा सकता है क्या? फैक्ट्री ऑनलाइन हो गया, फैक्ट्री ऑनलाइन हो गया। ई कॉमर्स अभी तक इतना तरक्की नहीं की है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मेरे को बताओ क्या फिजिकल प्रीमाइस होना जरूरी है क्या? और प्रीमाइस के अंदर क्या होना जरूरी है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या होना जरूरी है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या होना जरूरी है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और क्या अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है तो आप खुद ही कर लेते हो क्या? फैक्ट्री खुद ही खोल लेते हो, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही कर लेते हो, डीलिंग भी खुद ही कर लेते हो, सामान भी खुद ही बेच लेते हो, किसको रखते हो? अरे जिसके ऊपर ये एक्ट बनाया गया है, लेबर। किसको रखते हो? लेबर। अब लेबर में ना दो दो बातें को बताई गई है। कितना बातें को बताई गई है? दो बातें को। सुनना ध्यान से, क्या होना जरूरी है? लेबर। क्या होना जरूरी है? लेबर, यानी वर्कर। बोल ले क्या? लेबर बोलो या क्या बोलो? वर्कर। क्या होना जरूरी है बताओ? वर्कर्स। अब ध्यान से सुनना, दो चीज है, फैक्ट्री विथ पावर, फैक्ट्री विदाउट पावर। दो चीज क्या बताओ ना? फैक्ट्री विथ पावर, फैक्ट्री विदाउट पावर। तो अगर विथ पावर है, विथ पावर का मतलब आप समझ में आ रहा है, वहां पे चीजों को ऑटोमेटिक किया जा रहा है, तो वहां लेबर का रिक्वायरमेंट कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? गेस करो, बताओ, बुद्धि लगाओ, कम होगा ना। तो वहां पे अगर विथ पावर है ना, तो मिनिमम वर्कर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 10, मिनिमम वर्कर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 10। और अगर विदाउट पावर है, क्या बताओ? विदाउट पावर, तो इसका डबल कर दो, मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 20। क्लियर है क्या यहां तक? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? फैक्ट्री। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फैक्ट्री। सो व्हाट इज अ फैक्ट्री? फैक्ट्री मस्ट बी अ प्रीमाइस। फॉर फैक्ट्री देयर मस्ट बी अ प्रीमाइस, देयर मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड देयर मस्ट बी वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री। इफ इट इज अ फैक्ट्री विद पावर देन मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इज 10। इफ इट इज अ फैक्ट्री विदाउट पावर देन मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड इज 20। आर वी थ्रू विद दिस? लर्न हुआ? अब बताओ ये डेफिनेशन आता है, फैक्ट्री बताओ क्या होता है, या पूछता कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ फैक्ट्री का, 3 मार्क्स का आ गया। कोई डाउट है क्या? बोलो, लर्न करो मेरे संग, वापस से बोलो। फैक्ट्री के लिए क्या बोला? तीन कंडीशन होना जरूरी है। ये तीनों में से कुछ भी होगा चलेगा क्या? तीनों में से कुछ भी होगा चलेगा क्या? अरे यार, तीनों होना जरूरी है, तीनों होना जरूरी है। नंबर वन, देयर मस्ट बी अ प्रीमाइस। नंबर टू, देयर मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नंबर थ्री, देयर मस्ट बी द क्या? वर्कर्स इन द फैक्ट्री, मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री शुड बी 10 इन केस ऑफ फैक्ट्री विथ पावर एंड मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स शुड बी 20 इन केस ऑफ फैक्ट्री विदाउट पावर ऑन एनी डे इन द प्रिसीडिंग 12 मंथ्स। ऑन एनी डे इन द प्रिसीडिंग 12 मंथ्स, ये कंडीशन कब के लिए बोला? ऑन एनी डे इन द प्रिसीडिंग 12 मंथ्स। बताओ क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है यहां तक? अब पता है क्या बोल रहे हैं कि फैक्ट्री किसको किसको नहीं मानेंगे, फैक्ट्री के डेफिनेशन में कौन कौन कवर्ड नहीं है। ये जो डेफिनेशन है ना, इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है। बोल रहा है कि इट विल नॉट बी कवर्ड, फैक्ट्रीज एक्ट विल नॉट बी कवर्ड फॉर रेलवेज। एक्चुअली बोला रेलवे रनिंग शेड। यू नो व्हाट इज रेलवे रनिंग शेड? कभी ट्रेन में नहीं चढ़े हो क्या? अमीर लोग हो क्या सब? खाली फ्लाइट में ही जाते हैं मैम, या तो हम लोग का प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट है, निकाल लेते हैं, डायरेक्ट लैंड करते हैं, हेलीकॉप्टर है, हेलीपैड भी हम लोग का। रहीस लोग हो क्या कुछ ज्यादा ही? एक बात बताओ, कभी रेलवेज में गए हो? रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में गए हो? ट्रेन में चढ़े हो क्या लाइफ में? अरे बोलो ना। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सुनना। आपको पता है रेलवेज में रेलवे रनिंग शेड होता है। क्या बोला मैंने? रेलवे रनिंग शेड। ये रेलवे रनिंग शेड क्या होता है? व्हाट इज दिस रेलवे रनिंग शेड? एक देखोगे जहां पे स्टेशन होता है ना, पीछे के साइड या इधर उधर एक रूम टाइप का बना हुआ रहता है, जहां पे ना वर्कर्स लोग प्रेजेंट रहते हैं।
जैसे कोई भी ट्रेन का, कोई भी इंजन का कुछ पार्ट्स खराब हो जाए तो वो लोकल लोकोमोटिव्स वगैरह होता है ना, वो प्रोवाइड करके उसको ठीक कर देते हैं। दीज आर द लोकल वर्कर्स जो क्या कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, रूटीन मेंटेनेंस कर रहे हैं ट्रेन का। अब मान लो चलते चलते कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या फोन करके इंजीनियर को बुलाओगे क्या? तब तो टाइम ही निकल जाएगा। तो एक इन हाउस ऐसे मेंटेन करके रखते हैं रेलवे डिपार्टमेंट, विच इज कॉल्ड एज रेलवे रनिंग शेड। तो वहां के जो लेबर्स वर्कर्स है ना, उसको ये नहीं बोलेंगे ये फैक्ट्री हो रहा है, फैक्ट्री नहीं है वो। तो रेलवे रनिंग शेड पे क्या ये फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल है कि नहीं है? नहीं। फिर बोल रहे माइंस पे एप्लीकेबल नहीं है। कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? माइंस। माइंस समझते हो ना, माइनिंग वगैरह का काम होता है, ठीक है? तो माइंस पे एप्लीकेबल है कि नहीं है? नहीं है। फिर क्या बोल रहे, ये क्या लिख दिया, इकोनॉमिक्स लिख दिया क्या? मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मोबाइल यूनिट्स ऑफ, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्म्ड फोर्सेस? आर्म्ड फोर्सेस आर्मी, सेना, देखते हो घूमते रहते इधर उधर। मोबाइल क्यों बोला गया? एक जगह नहीं रहते, उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ लिविंग नहीं है। दे कीप ऑन क्या चेंजिंग देयर प्लेस डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशंस इन द कंट्री। कहीं बाढ़ आ गया, उन्हें भेज दिया गया, बोला जाओ आर्मी जाओ, हमारी सेना इंडियन सेना जाओ, वहां पे जाके देख के आओ, वहां पे लोगों को क्या करो रेस्क्यू करके आओ, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद मान लो अर्थक्वेक आ गया, बोला जाओ वहां पे क्या करो डेड बॉडीज वगैरह को रेस्क्यू करके आओ। तो इस तरह से जो आर्म फोर्सेज है दे कीप ऑन मूविंग। कहीं पे जाके देख रहे हो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, रेलवे चल रहा था वो ब्रिज पुल ही टूट गया। देखते हो ऐसा एक्सीडेंट होता रहता है, रेलवे चल रहा है ब्रिज पुल टूट गया, रेलवे गिर गया नीचे पानी के अंदर, अब पानी से रेस्क्यू करने के लिए उन्हें भेज दिया गया। दे आर द आर्म फोर्सेज ना, और उनका ट्रेनिंग गजब लेवल का होता है, वो हर फील्ड में ऑलराउंडर होते हैं। स्विमिंग भी उन्हें आता है, डाइविंग भी आता है, समझ में, फिर उन्हें जो है पैराशूट वगैरह भी खोलना आता है, आसमान में भी उड़ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन का काम भी आता है, समझ में आ रहे? तो कोई भी काम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्या सिचुएशन। तो मान लो ब्रिज टूट गया, तो दूसरा ट्रेन भी नहीं आ पा रहा है, तो पूरा ब्रिज बनाना जरूरी है, लोग ब्रिज बनाने लग गया, तो क्या उन लोगों को लेबर मान लेंगे? बोलेंगे लेबर है तुम लोग, लेबर है क्या तुम लोग? क्रेन वगैरह लेकर डेड बॉडी निकाल रहे हैं तो तुम लोग लेबर बन गया? हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, एम्बुलेंस का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबर बन गया तुम लोग? तो उन लोगों के ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट कवर्ड है कि नहीं है? नहीं। समझ में आया? तो किसके ऊपर कवर्ड नहीं है? रेलवे रनिंग शेड, माइंस, मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म फोर्सेस। मोबाइल, ये मोबाइल नहीं, मोबाइल, मोबाइल मतलब क्या? घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह स्टैटिक नहीं रहते। मोबाइल मतलब क्या? घूमते रहते हैं, घूमते रहते। आप लोग यहां से एमईपीएल, एमईपीएल से यहां, बीच में कहीं रुकते हो क्या? हाँ, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो मोबाइल होना क्लियर है, लेकिन जो लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे हैं वो क्या हो गए? होम में स्टैटिक, दे आर नॉट मोबाइल, दे आर नॉट मूविंग। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है यहां तक? सुनना ध्यान से। अब और एक एक्सेप्शन बोला, तुम लोग रेस्टोरेंट गए हैं क्या? हाँ मैम, डेली जाते हैं, यहीं पे बाहर में ही है ना, हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह लेके नहीं आते, यहीं बाहर खा लेते हैं। खाते हो ना यहाँ पे? मैंने देखा है तुम लोग को इधर उधर खाते रहते हो कुछ ना कुछ। तो रेस्टोरेंट हुआ या एनी प्लेस ऑफ ईटिंग, ढाबा, प्लेस ऑफ ईटिंग, होटल, ये सब में भी फैक्ट्रीज एक्ट कवर नहीं है। अब बोलोगे वेटर आ रहा है तुमको खाना सर्व कर रहा है, वेटर लेबर है, वेटर लेबर है, फैक्ट्रीज एक्ट कवर करो इसके अंदर। अरे बाबा नहीं है, रेस्टोरेंट, होटल या फिर कोई भी ईटिंग प्लेस, ढाबा वगैरह, छोटा गली के नुक्कड़ में जो चाय की दुकान है, ईटिंग प्लेस ही तो है ना तुम लोग का फेवरेट ईटिंग प्लेस, मैंने देखा है तुम्हें बहुत बार, समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ रहा है ये सब के ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट कवर्ड है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, होटल्स, हाँ, रेस्टोरेंट, या फिर क्या बोलो एनी ईटिंग प्लेस, या क्या बोलो एनी ईटिंग प्लेस, इसके ऊपर कवर्ड है कि नहीं है? नहीं। तो वापस से मेरे को बताओ, फैक्ट्रीज एक्ट का डेफिनेशन क्लियर है क्या? एक्सेप्शन क्लियर है क्या? पूरा बताओ। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर मैंने क्या बोला, फैक्ट्री तभी बोला जाएगा व्हेन देयर मस्ट बी अ प्रीमाइस, देयर मस्ट बी अ प्रीमाइस, नंबर टू देयर मस्ट बी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब बताओ ना, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना ना। एक बात बताओ, जैसे ये बोल रही है, ठीक है मेरा भी एक फैक्ट्री है, पता है हम फैक्ट्री में क्या करते हैं? पता है क्या करते हैं हम ना, मेरे को कॉस्मेटिक्स का बड़ा शौक है, हम लिपस्टिक खरीदते हैं और लिपस्टिक बेच देते हैं, लाकर लिपस्टिक खरीदते और बेच देते हैं। ये बोरी, मेरे को टॉय का बहुत शौक है, हम तो टॉय खरीदते और बेच देते, बच्चों का बहुत शौक है। अरे मतलब बच्चों का, डोंट टेक इट अदरवाइज, समझ में, मैंने ये थोड़ी बोला बच्चों का शौक है तो, अरे मतलब दूसरों को भी तो बच्चों को खिला सकते हो, यू आर नॉट, यू नो दिस नॉट द राइट एज। तो एक बात बताओ, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया? लाकर बेचना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया? ये बोरी हम टॉय लाकर बेच रहे हैं, ये बोरी हम लिपस्टिक लाकर बेच रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया? नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब क्या? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, वो होना चाहिए फैक्ट्री में, तब वो फैक्ट्री फैक्ट्री कहलाया जाएगा। प्रीमाइस होना जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना जरूरी है, लेबर होना जरूरी है, वर्कर का नंबर शुड बी 10, मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर शुड बी 10 विद पावर, एंड मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर शुड बी 20 विदाउट पावर।
आर वी थ्रू विद दिस क्या? लेकिन बोला कि ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है किन चार जन के ऊपर कवर्ड नहीं है? रेलवे रनिंग शेड, नंबर टू मोबाइल यूनिट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, नंबर थ्री माइंस, नंबर फोर होटल्स रेस्टोरेंट और एनी ईटिंग प्लेसेस। बताओ आर वी थ्रू विद दिस ऑर नॉट? कोई डाउट है यहां तक? एकदम क्लियर? आगे का भूल गए हो क्या? पीछे का भूल गए हो क्या? सब याद है क्या? तो बोलो फैक्ट्रीज एक्ट इज एन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट इज एन एक्ट फॉर क्या? टू क्या? कंसोलिडेट और अमेंड द लॉज रेगुलेटिंग द लेबर्स या वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री। क्यों पास किया गया फैक्ट्रीज एक्ट 1948? लाइफ में एक्ट कम थे क्या जो एक और एक्ट ऐड हो गया? क्यों पास किया गया? अरे भाई प्रमोट एंड प्रोटेक्ट, क्या चीज? तीन चीज। क्या तीन चीज? हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री। बोलो आर वी थ्रू विद दिस? कोई डाउट है क्या यहां तक? कितने सेक्शन, कितने इसके अंदर? 120। शेड्यूल कितने इसके अंदर? 3। थर्ड शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? सुपर्ब, सुपर्ब, नोटिफाइड डिजीजेस, नोटिफाइड डिजीजेस, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, यस। लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चे, कमेंट करके बताइए मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? आई वॉन्ट योर आंसर, समझ में आ रहा है कि नहीं कृपया करके बताएंगे मेरे बच्चे। और भाई कंजूसी मत करना कॉमेंट में, सेशन जैसे ही खत्म होगा, लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन में मजा आया कि नहीं आया। अभी मैम लिखवाओगे कब? सब लिखवाएंगे। अभी पहले थोड़ा सा और पढ़ ले क्या कि पहले लिखवा दे? बोलो ना, थोड़ा सा और पढ़ ले, थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ लेते, ठीक है? चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अभी आप बोलो ना मैम जैसे लिपस्टिक को लेकर आना और बेचना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, टॉयज को लाकर बेचना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, तो भाई है कि आप खुद ही बता दीजिए ना। अब और ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, वो भी नहीं है, हाँ रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, बट इसके ऊपर बहुत सारे एग्जॉस्टिव लिस्ट दिए गए हैं एज पर सेक्शन टू क्लॉज के, सेक्शन टू क्लॉज के इसके अंदर एग्जॉस्टिव लिस्ट दिया गया है क्या चीज का? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मींस? मेकिंग क्रिएटिंग ऑल्टरिंग, मेकिंग क्रिएटिंग ऑल्टरिंग एनी आर्टिकल या फिर ऑर्नामेंटिंग एनी आर्टिकल। मैंने क्या बोला बताओ? मेक करना, क्रिएट करना, ऑल्टर करना, रिपेयर करना, ऑर्नामेंट करना, ऑर्नामेंटिंग। अरे गर्ल्स को तो पता होगा ना ऑर्नामेंट्स का बड़ा शौक होता है। ऑर्नामेंटिंग द आर्टिकल, ऑर्नामेंटिंग द आर्टिकल, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी एक नया चीज बनाना या उसको आप ऑल्टर भी कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो या कुछ रिपेयर वर्क कर रहे हो या फिर ऑर्नामेंटिंग। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्नामेंटिंग? बोलो क्या होता है? कोई डिजाइनिंग किया है क्या ज्वेलरी का ये सब का? उसमें देखते हो कभी देखा है गोल्ड स्मिथ को? उन लोग क्या करते हैं सोना का इतना इतना सभी क्वांटिटी को उन लोग क्या करता है? फिक्स करता है। अब जैसे कंगन आप देखते हो, एक कंगन कैसे बनता है? गोल्ड का तो बड़ा बड़ा बार्स होता है या बड़ा बड़ा जो होता है स्लेट्स होता है, उसको वेल्ड करना, मोल्ड करना, शेप साइज देना, डिजाइनिंग देना, ब्लॉक्स करना, प्रिंटिंग करना, फिर लोग उसके ऊपर अपना प्रिंट भी कर देते हैं, अपना ब्रांड भी लगा देते हैं। तो ये सब करने को भी क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं क्या? हाँ बोलते हैं ना। डायमंड हो, गोल्ड हो, कोई भी प्रीशियस मेटल हो, ये सब में आप कारीगरी कर रहे हो, मजा आता है करने में, कभी किए हो क्या? समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलते बताओ? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या बोलते बताओ? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो वापस से बोलो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या आ रहा है? नंबर वन बोलो, टू मेक, टू क्रिएट, टू ऑल्टर, टू रिपेयर या ऑर्नामेंटिंग ऑफ एनी आर्टिकल, ऑर्नामेंटिंग ऑफ एनी आर्टिकल। कभी ऑयल पंप किया है? नहीं मैम, हम लोग थोड़ी रिलायंस है, हम लोग थोड़ी अंबानी जी हैं जो ऑयल वगैरह निकालेंगे सी शोर से, बेड शोर से, और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे पेट्रोलियम में। पता है ना उन लोग ये सब बनाता है, तो उसको बोलते हैं पंपिंग ऑफ ऑयल। आपको पता है ना सी बेड्स होता है जो सबसे ज्यादा ऑयल का एक्सप्लोरेशन कहां से होता है, कहां पे होता है? बोलो, हैव यू हर्ड द केजीएफ मूवी? अब आपने केजी क्यों वर्ड आया? कृष्णा गोदावरी बेसिन, समझ में आ रहा? कृष्णा गोदावरी ये सब है ना रिवर्स, ये सब वहां पे जो बेड्स वगैरह है उसमें से क्या निकलता है? ऑयल का एक्सप्लोरेशन। ONGC है, IOCL है, BPCL है, रिलायंस है, इन लोग ऑयल का एक्सप्लोरेशन करता है। क्या करता है मेरे को बताओ? ऑयल का एक्सप्लोरेशन। तो पंपिंग ऑफ ऑयल, वहां से ऑयल निकाल कर उसको प्यूरिफाई करके पेट्रोलियम में कन्वर्ट करके बेचना, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? और नहीं तो क्या? एविएशन फ्यूल भी बनता है, यू नो व्हाट इज एविएशन फ्यूल? क्या? हाँ जो फ्लाइट में काम आता है। फ्लाइट में क्या डीजल पेट्रोल भर के फ्लाइट उड़ा देते हो क्या? सबका अलग अलग फ्यूल होता है ना, समझ में आ रहा है? तो पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, लुब्रिकेंट, ये सब क्या हो रहा है? पंपिंग ऑयल करके तो बन रहा है। तो पंपिंग ऑफ ऑयल इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ क्या? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पंपिंग ऑफ ऑयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। और बहुत जन वाटर को भी पंप करते हैं, आपको पता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये सब क्रिएट होता है, एनर्जी वगैरह जनरेट होता है, पता है ना?
वाटर से कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में. वाटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, डू यू नो दैट और नॉट. तो पंपिंग ऑफ ऑयल करो या फिर वाटर करो. और एक बात बोलूं, और लोग क्या पंप करते हैं, अच्छा नहीं लगेगा सुन के, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा. स्वच्छ भारत अभियान विल फेल. सुएज, अरे सुएज का मतलब नहीं समझते हो क्या, सुएज गंदगी. नाला कभी देखा है बड़ा बड़ा, देखते हो लोग उसके अंदर जाकर क्या क्या रिफाइन करते रहते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पंपिंग ऑफ सुएज. सो पंपिंग ऑफ ऑयल, पंपिंग ऑफ वाटर, पंपिंग ऑफ सुएज, ये सब क्या चीज का एग्जाम्पल है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो एक चीज बताओ, ऑयल हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पावर बच गया ना, तो एक पावर लिख दो, पावर जनरेशन ट्रांसमिशन, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या, हाँ ठीक है. तो पावर लिख देते हैं, पावर जनरेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, ये भी मेरा क्या बताओ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इसके अलावा और बताइए ना मैम, प्रिंटिंग का काम कभी देखा है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं देखे हो, वहां प्रिंटिंग का काम होता है, तो प्रिंटिंग का काम भी क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. हाँ, अब जैसे हमारा इतना खूबसूरत खूबसूरत मैट बन के जाता है आपको, ये मैट कहाँ से आता है, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट ही तो बनाकर देता है ना. तो जो प्रिंटिंग का काम कर रहे, स्पायरल बाइंडिंग, प्रिंट निकाल रहे हैं, छपवा रहे हैं, उसको बांध रहे हैं, ये सब क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या, और नहीं तो क्या, समझ में आया. तो देखो ना, तीन ठो पी हो गया, पंपिंग ऑफ ऑयल, पावर जनरेशन, प्रिंटिंग. एक और पी पसंद है क्या, एक और पी लर्न कर लो, एक और पी लर्न कर लो. सुनो ना ध्यान से, मिली मूवी देखा है, मिली मूवी, एक अभी नया मिली मूवी आया था रिसेंट में, श्रीदेवी की जो बेटी नहीं थी, क्या नाम था उसका, हाँ उसका नाम ठीक याद है, जानवी कपूर. ऐसे एक आंसर नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही पूछा श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर, यू हैव अ क्रश ऑन हर क्या, ठीक है जानवी कपूर, हाँ हो भी सकता है, शी इज नॉट टेकन राइट नाउ, कियारा अडवानी इज टेकन, बट जानवी स्टिल सिंगल राइट, कियारा अडवानी इज टेकन. कियारा अडवानी पे भी बहुत जन मैंने देखा है फिदा थे, इंक्लूडिंग द गर्ल्स. ओके, वैसे भी आजकल सब कुछ लीगल है, बट शी इज टेकन टू सिद्धार्थ मल्होत्रा. तो एक बात बताओ, वो वाला मूवी आपने देखा है किसी ने, मिली मूवी, पिज्जा को उन लोग कहाँ स्टोर करता था, देखते थे, वो पिज्जा कंपनी में काम करती थी ना, एक बहुत बड़ा डीप फ्रीज था, पूरा देखते थे, पूरा रूम ही पूरा फ्रीजर था. तो दैट इज देयर देवर मेंटेनिंग अ कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, देवर मेंटेनिंग अ कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, मतलब आप समझ, वो कोई नॉर्मल फ्रिज नहीं था जो आपके घर में होता है. तो ये काम भी है जो लोग करते हैं, दे आर प्रिजर्विंग, दे आर मेंटेनिंग अ कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस. सो दे आर प्रिजर्विंग द पेरिशेबल आइटम्स इन दैट कोल्ड वेयर हाउस. बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं इंडस्ट्रीज में, बहुत पैसा है अगर आप ये काम करोगे तो, प्रिजर्वेशन का सर्विसेज प्रोवाइड करोगे ना, बहुत पैसा है. तो ये सब चीजों को प्रिजर्व करना किसके अंदर, कोल्ड वेयर हाउस के अंदर, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस के अंदर, दैट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो और मैंने क्या बोला बताओ, प्रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स इन क्या, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, इन क्या बोला बताओ, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस. तो मैम कितना चीज आपने लर्न करवा दी, एक बार वापस से बोलिए ना, हम लोग थोड़ा भूलते जा रहे, गजनी है ना हम लोग. बोलो, नंबर वन क्या बोला, टू क्रिएट, मेक, ऑल्टर, ऑर्नामेंटिंग ऑफ एनी आर्टिकल, पंपिंग ऑफ ऑयल, वाटर, स्वेज, ऑयल वाटर ठीक है, पावर भी तो आएगा, पावर जनरेशन, प्रिंटिंग या प्रिजर्वेशन इन द कोल्ड स्टोरेज. क्लियर है? ये ना इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ के आया है, बोलते हमको शिप वगैरह भी बनाना आता है, डिजाइनर भी आर्किटेक्ट भी, बोले हम शिप बनाते हैं मैम. अब मेरे से पूछ रहे हैं, शिप बनाना क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, सोच के बताओ. एयरक्राफ्ट बनाना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, हाँ. सो बिल्डिंग ऑफ शिप, वेसल, एयरक्राफ्ट, ऑल दीज आर फॉलिंग अंडर क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो शिप, वेसल, एयरक्राफ्ट, ये सब किसके अंदर आएगा बताओ ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. बताओ, आर वी थ्रू विद दिस ऑर नॉट. वापस से बोलो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को किसके अंदर डिफाइन किया गया है, टू के, सेक्शन टू क्लॉज के, किसके अंदर डिफाइन किया गया, सेक्शन टू क्लॉज के ऑफ विच एक्ट, ऑफ विच एक्ट, अरे जो पढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कौन सा एक्ट पढ़ रहे हो, फैक्ट्रीज एक्ट 1948. वापस से बोलो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, बताओ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, बताओ. नंबर वन, टू मेक, क्रिएट, ऑल्टर, रिपेयर, ऑर्नामेंटिंग एनी आर्टिकल. नंबर टू, पंपिंग ऑफ क्या, पंपिंग ऑफ ऑयल, फिर उसके बाद और बताओ क्या बोला मैंने, बताओ प्रिंटिंग, और फिर उसके बाद क्या बोला बताओ, प्रिजर्वेशन इन कोल्ड स्टोरेज, और क्या बोला बताओ, शिप और एयरक्राफ्ट. बताओ यहां तक पूरा क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है, एक बार पूरा स्टार्टिंग से लेकर लिख लेके यहां तक. अच्छा एक चीज और बताओ ना, ये सब मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ चुका है ना, उससे पूछ रहे आंसर देना, एक दो क्वेश्चन पूछ रहे आंसर देना. मान लो कन्वर्टिंग लैटेक्स इंटू रबर, मैंने लैटेक्स से क्या बनाया, रबर, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है,
क्यों? क्रिएटिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल ही तो क्रिएट कर रहे हैं, है ना? आपको पता है ना, लेटेक्स देखा है? लेटेक्स नहीं देखा, व्हाइट व्हाइट कलर का पत्ता होता है ना बैम्बू का, वो शीट्स होता है उसके अंदर से निकलता है, फिर उसके अंदर उसको कन्वर्ट करके प्रोसेस करके क्या बनाते हैं हम लोग, रबर। तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? हाँ ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देते हैं। कभी बीड़ी पियो? बीड़ी झूठ मत बोलो, बीड़ी देखे हो क्या? बीड़ी, बीड़ी, बीड़ू नहीं, बीड़ी, 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 बीड़ी इज अ इंग्लिश वर्ड क्या? हाँ, आपको क्या लगता है बीड़ी हिंदी वर्ड है क्या? बीड़ी और सिगरेट में डिफरेंस है, सिगरेट इज अ सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ बीड़ी। हाँ सिगरेट व्हाइट कलर का थोड़ा सा सुंदर लगता है देखने में, अरे देखा तो है ही ना, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं कंज्यूम कर रही हूं। तुमने देखा नहीं है क्या, आज हॉल वगैरह में मूवी देखने जाते हो, वो लोग एड नहीं चलाता है उसका, इट इज लीडिंग टू कैंसर, कॉजिंग कैंसर, चेहरे का मुस्कान ही तुम्हारा बदल गया। देखो मैं डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ, तुम लोग बताना कौन सा क्या है। बोलोगे मैम क्या क्या सिखा रहे हैं आप, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, डायग्राम पे मत जाना ठीक है। चलो बताओ, दो चीज बनाया, कौन सा क्या है बताओ, ऊपर वाला क्या है? हाँ ऊपर वाला सिगरेट है, बच्ची एकदम पीएचडी कर रखी है, ऊपर वाला सिगरेट है, ऊपर वाला सिगरेट है, नीचे वाला क्या बताओ, नीचे वाला क्या बताओ, बीड़ी, 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 देखो हरा रंग का बीड़ी होता है, थोड़ा ग्रीनिश ब्राउनिश कलर होता है, अरे ऐसा शेप रहता है उसका, और ऐसे कुछ बंधा हुआ भी रहता है बीड़ी। अरे मुटिया मजदूर लोग यही तो करते हैं, बीड़ी वगैरह पीता है, देखिए ना लोग बीड़ी पीता है, बीड़ी पीते हुए तुम लोग नहीं देखा है, सिगरेट तो तुम लोग देखा है, चलो सिगरेट है और एक तरफ बीड़ी है, तो बीड़ी बनाना चाहे वो जो टोबैको का लीव्स होता है ना उसको सनड्राई करना, टोबैको के लीव्स को क्या करना, सनड्राई, लीव्स को सनड्राई करके सिगरेट बनता है, डू यू नो दैट, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, उसमें मॉइस्चर वगैरह रहता है ना, उसको सुखाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सनड्राई करना, क्या बोलते हैं उसको बताओ, सनड्राई, बीटल लीव्स नहीं सुना आपने, टोबैको का जो लीव्स है बीटल लीव्स, तो सनड्राइड बीटल लीव्स, क्या बोला मैंने, सन क्योर, सन क्योर्ड बीटल लीव, सन क्योर्ड बीटल लीव, क्यों उसे क्या बनेगा, सिगरेट। तो ये क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या? अब यही काम बच गया है, तुम लोग जो है बीटल का पत्ता निकाल के सुखा के सिगरेट बना रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हाँ है ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बीड़ी बनाना, यहाँ पे देखे हो उन लोग को, यहां लगा के रखते हैं, फिर यहां निकाला, लाइटर निकाला, जलाया, लाइटर नहीं होता उन लोग, माचिस, देखे हो क्या ये सब। और सिगरेट कैसा रहता है, सिगरेट पॉकेट से निकालते हैं, पॉकेट से एक ठो बॉक्स से निकालते हैं, समझ में आया क्या? तो सिगरेट बीड़ी, सिगरेट बीड़ी जलाना नहीं बनाना, क्या होता है मेरे को बताओ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्या होता है बताओ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्लियर है? हाँ यशवी एकदम ठीक बोल रही है, यशवी बोल रही है मैम लीव से बनता है, तो बनाया हो क्या कभी यशवी तुम, ठीक है लीव से बनता है, तो बीड़ीज हुआ, सिगरेट हुआ, ये सब बनाना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि नहीं है, है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि नहीं है, हैज एनीवन एवर टेस्टेड प्रॉन्स इन देयर लाइफ, सच्ची सच्ची बताना, फिश लवर्स प्रॉन ईटर्स रेज योर हैंड, अरे यार इसमें भयानक वाला प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन होता है, खाओगे तो लाइफ सवर जाएगा, सुनवा रहे, तो अब हाथ उठा लो, अरे शर्माने का क्या, हाथ उठाओ ना बिंदास, हाथ रेज, फुल योर हैंड्स, फुल हैंड्स, हाँ अरे तो क्या हुआ, तुमने गुना कर लिया क्या, यू नो 99% ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इज नॉन वेजिटेरियन, 99% एंड द एक्सेप्ट वन आर द ढोंगीज, सो कॉल्ड प्योर वेजिटेरियन, दे कॉल देमसेल्फ प्योर वेजिटेरियन बट दे आर टेलिंग आई ईट एग इन केक बट आई एम नॉट ईटिंग एग, दे आर एगिटेरियन, व्हाट इज एगिटेरियन, अच्छा मैं भी उसी में से एक हूं, समझ मा रहे, दैट इज वाई कैन कनेक्ट, क्या बोलते हैं अंडा नहीं खाते बोलते, लेकिन जो केक होता है ना
बिस्किट है उसमें हम लोग अंडा खा लेते हैं, उसमें पता नहीं चलता है ना, लेकिन हम लोग अंडा नहीं खाते। भाई तुम नॉनवेज बन चुके हो, तुम नॉनवेज बन चुके हो, समझ में आ रहा है? बताओ मेरे को फटाफट बताओ, टेल मी। अरे रेज योर हैंड, तुम लोग को शर्म क्या? अरे तू जो खाते अभी वो हाथ ठीक से बड़ा करके प्राउड फील करना चाहिए, डैड यस वी आर द प्रॉन ईटर्स, वी ईट प्रॉन, यस कम ऑन रेज योर हैंड। अरे मैंने हाथ उड़ाया, तुम भी उठा लो, हाथ उड़ाओ, हौसला बढ़ता है ना। ठीक है, नहीं मैंने कभी प्रॉन खाया नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ लेकिन अगर तुम लोग कभी खिलाएगा तो मैं भी मैं खा लूंगी, बट मुझे नहीं पता कि टेस्ट कैसा होता है। और ये इट्स ऑल इन द माइंड, जैसा आपका अपब्रिंगिंग है, बचपन से अगर आपको खिलाया जाएगा तो आप खा लोगे, बट सडनली एक एज के बाद ना आप कोई नया चीज नहीं ट्राई कर सकते। लेकिन हाँ अगर कुछ ऐसा है कि बहुत ज्यादा टेस्टी है तो माइट बी समडे आई विल ट्राई। कैसा टेस्टी है क्या? बहुत हिलशा इज टेस्टी, हिलशा माच, चिंगड़ी माच, हिल इलिश, इलिश हाँ यू नो इलिश माच, इट्स वेरी कॉस्टली ऑल्सो। कांटा, यू लाइक इलिश? सो हाउ डू यू नो इट इज हैविंग कांटा ऑन इलिश? ओके हाँ तो फिर क्या झूठ बोल रही है, प्रॉन नहीं खाती, ट्राई तो की है ना तुम? तब फिर तुम प्रॉन के संग इलिश खाती हो मिक्स करके कि दोनों अलग अलग? कड़क लगता है क्या प्रॉन खाने में? सॉफ्ट लगता है प्रॉन? अच्छा ठीक है। सुन अब आपको पता है प्रॉन को छीला जाता है पकाने के पहले, पीलिंग ऑफ प्रॉन, क्या किया जाता है बताओ? पीलिंग ऑफ प्रॉन। तो अब मेरा क्वेश्चन है क्या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? हाँ केस स्टडी आया हुआ है, पीलिंग ऑफ प्रॉन इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पीलिंग ऑफ प्रॉन इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्रिएटिंग और ऑल्टरिंग एनी आर्टिकल, ऑल्टरिंग एनी आर्टिकल। तो पीलिंग ऑफ प्रॉन मेरे को बताओ ना क्या है, बताओ पीलिंग ऑफ प्रॉन क्या है? पीलिंग ऑफ प्रॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि नहीं है? बीड़ी बनाना, सिगरेट बनाना, पीलिंग ऑफ प्रॉन बनाना, फिर उसके बाद लेटेक्स को रबर में कन्वर्ट करना, साबुन बनाना, सोप वगैरह बनाना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या? हाँ, सो मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप इज अगेन अ व्हाट प्रोसेस? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सोप बनाना क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि नहीं है? है। सोप बनाना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि नहीं है? है। एक बात बताओ, गनी बैग्स देखे हो कभी? जूट बैग्स नहीं होते, जूट बैग्स, झोला, झोला हिंदी में यू कॉल इट झोला। तो स्टिचिंग ऑफ द गनी बैग्स, स्टिचिंग ऑफ द गनी बैग्स क्या वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, सोच के बताओ। हर जगह हाँ हाँ मत बोलो, है। यस, स्टिचिंग ऑफ गनी बैग्स भी मेरा क्या प्रोसेस है बताओ? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। स्टिचिंग ऑफ गनी बैग्स इज ऑल्सो माई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई डाउट है? तो ये मैंने एग्जॉस्टिव लिस्ट आपको बता दिया, ये सब आया हुआ एग्जाम में, ये सब एग्जाम में क्या हुआ है? आया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, सपोज करो इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, अभी मैं आपको क्या दे रही हूँ? ट्रेन ही तो कर रही हूँ कि एग्जीक्यूटिव लेवल में कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जेम्पशन लाना है। मैम लॉ का पेपर में एग्जेम्पशन लाना पॉसिबल है क्या? अरे बिल्कुल पॉसिबल है, तुम लोग को एक एक चीज ना मैं लर्न करवा रही हूँ, समझा रही हूँ, भूलोगे ही नहीं कभी, ये मेरा दावा है। तो मेरे को बताओ ये जो इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, इज इट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? अरे नो, तुमको मैं लेबर दिखाई दे रही हूँ क्या? मैं लेबर दिखाई दे रही हूँ? बोले चलिए आज ये पढ़ा दीजिए, चलिए बहुत हो गया, छुट्टी दे दीजिए आप, चलिए चलिए अब थोड़ा लिखवा दीजिए, ऐसे मेरे को डोमिनेट करते हो क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है क्या मेरे और तुम्हारे बीच में? ठीक है माना पैसा दिया, माना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, नॉट फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। आप मुझे क्या लेबर समझ रहे हो अपना? आप मुझे अपना वर्कर समझ रहे हो? मैं फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कवर्ड हूँ, आप मेरे इंप्लॉयर हो, मैं आपकी इंप्लॉय हूँ? नहीं, समझ में? मुझे जो पढ़ाना है जैसे पढ़ाना है वो कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं AIR 3 हूं, ठीक है, और आपको भी AIR लेकर आना है, क्लियर है? वैसे भी पता है ना MEPL में, बताने का दरकार नहीं है, हिस्ट्री स्पीक्स, ठीक है? तो कैसे कैसे इतना ये AIR आ रहा है आप समझ रहे हो ना? बिकॉज दे आर बीइंग मेंटर्ड बाय द AIRs, ठीक है? तो पूरा जड़ी बूटी आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? पूरा जड़ी बूटी, क्या लाने का? रैंक लाने का। तो इम्पार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि नहीं है? नहीं है कि नहीं है? नहीं, कोई डाउट है कि यहां तक? ट्रेनिंग वगैरह देना, एजुकेशन वगैरह देना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि नहीं है? नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इम्पार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? नो। न्यूज, जो न्यूज वगैरह देखते हो ना, न्यूज छाप छाप कर आता है, तो ये भी क्या एक टाइप का क्या है? नॉलेज ही तो दिया जा रहा है या रूमर्स फैलाया जा रहा है, तो न्यूज वगैरह छापना देना क्या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? नहीं। तो ट्रेनिंग देना या न्यूज देना या पिक्चर, पिक्चर्स देखते हो ना, तो ये पिक्चर वगैरह बनाना क्या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है क्या? नहीं। या फिर प्राइमरी पैकिंग करना, प्राइमरी पैकिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, या फिर
फाइनल पैकिंग ऑफ द फिनिश गुड्स, जैसे आइसक्रीम बनाने का धंधा है मेरा, आइसक्रीम का फैक्ट्री में बल्क में आइसक्रीम बन रहा है, अब आइसक्रीम क्या तुरंत छोटे छोटे कप्स में पैक हो जा रहा है क्या? नहीं, एक प्राइमरी पैकिंग करना होता है, बड़ा सारा कोई कंटेनर में वो आइसक्रीम जो बना है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, तो क्या वो प्राइमरी पैकिंग ट्रांसफर करना इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? नो। फिर छोटे छोटे कप्स में डालना, इज इट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? नो। सेकेंडरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग, फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल का, क्या ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि नहीं है? नहीं। तो बताओ, पूरा एक क्लियर इंसाइट हुआ। वापस से स्टार्टिंग से बोलो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस सेक्शन के अंडर कवर्ड था? सेक्शन 2 क्लॉज के ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर पांच तो पीज ही था। पहला तो इजी है, मैन्युफैक्चर का डेफिनेशन है क्या था? नंबर वन, क्रिएटिंग, मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग ऑफ एनी आर्टिकल या फिर ऑर्नामेंटिंग ऑफ एनी आर्टिकल। फिर नंबर टू क्या बोला? पी से बताओ, चालू हो जाओ, केजीएफ मूवी याद कर लेना, केजी से कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी से ऑयल निकाल निकाल के बना रहे, पंपिंग ऑफ ऑयल। मैम ने बोला था खाली ऑयल नहीं पंप होता है, वॉटर भी होता है। फिर मैम ने बोला था खाली वॉटर नहीं, वो गंदगी होता है ना, सुएज, वो भी पंप किया जाता है। फिर मैम ने बोला था कि यार पावर, पावर जनरेशन भी हम लोग करते हैं, तो पावर जनरेशन। फिर मैम ने मिली मूवी बताया था, मिली मूवी का एग्जांपल क्या था? स्टोरेज, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन इन द कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस। और क्या बोला था? प्रिंटिंग। और क्या बोला था? अरे शिप बनाया था ना, तुम भूल गया, शिप बनाना, वेसल बनाना, एयरक्राफ्ट बनाना, तो ये सब क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या? हाँ। फिर कुछ कुछ एग्जांपल्स किया, क्या क्या एग्जांपल किया? सन क्योर्ड बीटल लीव्स, मैन्युफैक्चरिंग, लेटेक्स को रबर, मैन्युफैक्चरिंग, बीडी बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, सिगरेट के लिए हम लोग ये करते हैं सन क्योर्ड वाला, मैन्युफैक्चरिंग, पीलिंग ऑफ द प्रॉन, पीलिंग ऑफ द प्रॉन, मैन्युफैक्चरिंग, क्लियर है? सोप बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, स्टिचिंग ऑफ गनी बग, बग्स नहीं बैग्स, क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंपार्टिंग ऑफ एजुकेशन, न्यूज, फिल्म, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, है क्या मैन्युफैक्चरिंग? नहीं। बताओ कोई डाउट है क्या यहां तक? एवरीथिंग इज क्लियर? तो एक बार पूरा यहां तक हम लोग लिख लें क्या? ठीक है, चलो लिख लेते, टेक आउट योर कॉपी, टेक आउट योर कॉपी। चलो लिखो एक एक करके फटाफट। हेडिंग दो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, गिव द हेडिंग फैक्ट्रीज एक्ट 1948। बताओ, आर वी थ्रू विद दिस ऑर नॉट? जितना भी पढ़ाया सब लर्न हुआ कि नहीं यहां तक? बताओ, सब लर्न हो रहा है क्या? लर्न हो रहा है तो लिखना चालू करो। लिखो फैक्ट्रीज एक्ट हेडिंग दो 1948, पॉइंट नंबर वन, कीप ऑन राइटिंग। फैक्ट्रीज एक्ट इज एन एक्ट टू क्या बोला था? कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग क्या? लेबर्स इन द फैक्ट्री। फटाफट लिखो, फैक्ट्रीज एक्ट इज एन एक्ट to consolidate and amend the law regulating labor in the factories. स्पीड शुड बी वेरी हाई, ओके? लिखा पॉइंट नंबर वन, बोलो, डज इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया? हाँ। और मैंने कब से बोला था एप्लीकेबल है बताओ ना? 48 की 49 बोला था, और क्या बोला था? अप्रैल, लिख लो। नंबर टू, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1949, विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1949, with effect from first day of April 1949. लिखा पॉइंट नंबर टू। एक बात बताओ, क्या मैंने आपको बोला ये एक्ट को बार बार अमेंड किया गया है, और स्पेशली कब? भोपाल गैस ट्रेजेडी, और फिर क्या पास हुआ था बताओ? फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन डिसम्बर 1987। डिड आई टेल यू ऑल दीज थिंग्स? चेक करो, पॉइंट नंबर टू तक हो गया, पॉइंट नंबर थ्री कॉपी करो। इट हैज बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्पेशली आफ्टर द भोपाल गैस डिजास्टर।
स्पेशली आफ्टर दी भोपाल गैस डिजास्टर। एंड फैक्ट्रीज एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन वेन, 1st of December 1987। तब तक बाकी बच्चे लिखकर बताएंगे लाइव चैट में, आर यू फॉलोइंग द लेक्चर और नॉट। कोई भी दिक्कत है फील फ्री टू आस्क मी, कोई भी दिक्कत है फील फ्री टू आस्क मी गाइस। लिख लिया 1987 तक लिख लो बस, उसके बाद लिखने का दरकार नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स में आओ, ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने क्या बोला, लिख लियो तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या बोला बोलो ना, तीन चीज बोला, क्या क्या? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट दी हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, लिखो। और इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, हेल्ड इन द केस ऑफ क्या, रविशंकर शर्मा वर्सेज द स्टेट ऑफ राजस्थान, याद हुआ तो लर्न कर लेना। एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने बोला ना टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट तीन चीज, क्या क्या, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। कहां पे ये केस था बताओ, इट वॉज डिस्कस्ड वेयर, रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, याद रहेगा, आर एस स्क्वायर, रवि शंकर शर्मा, आर एस स्क्वायर, दो टू एस एन एस स्क्वायर, रविशंकर शर्मा वर्सेस कहा, स्टेट ऑफ राजस्थान। Is it done till here, guys? बताओ क्या मैंने बोला, ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, लेबर्स के ऊपर जो फैक्ट्रीज में, लेकिन क्या सारे एम्प्लॉय को वर्कर बोल सकते हो? नो। क्या बोला मैंने, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की फॉर सर्विस ऑफ, तो देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में क्या लिखे, दे आर द वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या लिखे, दे आर नॉट द वर्कर, लिखो, चेक द स्क्रीन, राइट इट ऑन क्विकली गाइज। हो जाए तो बता देना। देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब वर्कर हुआ ना, क्योंकि वहां कैसा रिलेशन है, मास्टर सर्वेंट, यानी इंप्लॉयर क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा क्या सब कुछ, वर्क को भी और कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन वहां क्या बोला, दे आर गोइंग टू वर्क इंडिपेंडेंटली, एग्जाम्पल ऑडिटर डिजाइनर जो मैंने अभी बताया था। बताओ ये सब नोट से इजीली याद हो जाएगा कि नहीं, फर्स्ट बताओ, समझ में आ रहा है, पूरा क्लास में ही लर्न हो जाएगा, नोट्स लिखवा देंगे, घर जाके आपको 10 मिनट लगेगा, मात्र 10 मिनट, खाली रिवीजन करके आ जाना, जैसे जैसे पढ़ा रहे कर लोगे ना, एग्जेम्पशन आएगा पेपर में। रेमुनरेशन मैटर करता है क्या, मैंने बोला था नहीं करता, नहीं करता फैक्ट्रीज एक्ट के लिए, वेदर द वर्कर इज क्या, एम्प्लॉयड विथ वेजेस और विदाउट वेजेस, ही इज डीम्ड टू बी अ लेबर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, ही इज डीम्ड टू बी अ वर्कर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हुआ पॉइंट नंबर फोर, रेमुनरेशन डजेंट मैटर, टू बी अ वर्कर क्या, इट इज इमटीरियल वेदर द पर्सन इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस और विदाउट वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। यस दिशा, क्लासेस होंगे, मैंने बोला पहला 3 से 4 क्लास स्ट्रीम होगा यूट्यूब लाइव में, फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे एमईपीएल ऐप में।
सुचित्रा इट विल कम टुडे, डू नॉट वरी, ओके। बोल आर वी थ्रू विद दिस ऑर नॉट गाइज, रेम्यूनरेशन डजेंट मैटर। बोलो कितना शेड्यूल था, थ्री सेक्शन कितना था, 120। पॉइंट नंबर फोर डन, फास्ट 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 इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड, नहीं तो मैं आपको ना ये पीडीएफ शेयर कर दिया करूंगी, आप अपने आप लिख लेना कि क्लास में ही लिखोगे, क्या बेटर है, क्लास में लिखना है, ठीक है लिख लो, ठीक है लिख लो, जैसे मेरे बच्चे बोलेंगे वैसा ही होगा, बेबी स्टेप लेकर पढ़ेंगे हम लोग, बेबी स्टेप, बट सब कुछ पढ़ लेंगे। डन, स्कीम ऑफ द एक्ट में अपने आप लिख लो, 120 सेक्शन और थ्री शेड्यूल, तीनों शेड्यूल क्या क्या चीज से डील करता है, आई होप यू रिमेंबर। फास्ट फास्ट फास्ट, इज इट डन गाइस? हो गया पॉइंट नंबर फोर, एवरीवन फर्स्ट बेंच डन विद द पॉइंट नंबर फोर, यस वेरी गुड, लास्ट बेंच डन। स्कीम ऑफ द एक्ट में आइए, 120 सेक्शन थ्री शेड्यूल, शेड्यूल वन क्या बोला था, हैजर्डस वाला, शेड्यूल टू क्या बोला था, परमिसेबल लिमिट वाला, शेड्यूल थ्री क्या बोला था, नोटिफाइबल डिजीजेस, राइट डाउन। जैसे जैसे चार्ट बना रहे वैसे वैसे चार्ट बनाओगे, लिखो 120 सेक्शन थ्री शेड्यूल, लिखो इसके अंदर क्या बोला, शेड्यूल वन के अंदर क्या क्या बोला, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजर्डस प्रोसेस, व्हाट इज अ हैजर्डस प्रोसेस, यस वेरी गुड, अ प्रोसेस विच इज इंजूरियस टू द वर्कर्स, दैट इज कॉल्ड एज हैजर्डस प्रोसेसेस, दोज हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्री। शेड्यूल वन डील्स विद द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजर्डस प्रोसेसेस, शेड्यूल टू डील्स विद परमिसेबल लिमिट ऑफ क्या, सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस इन द वर्क एनवायरमेंट, ENVT मतलब क्या, एनवायरमेंट। और शेड्यूल थ्री लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीजेस, शेयर भी कर देंगे लिख भी लो, शेयर भी कर देंगे लिख भी लो, आज पहला क्लास है, लाइट रखा है, ज्यादा नहीं पढ़ाया है, बींग योर फर्स्ट क्लास वी हैव केप्ट इट लाइट टुडे। इज इट डन? अब बताओ बिना देखे बताओ ना, व्हाट इज अ फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर मैंने तीन चीज बोला था, नंबर वन देयर मस्ट बी अ प्रीमाइस, नंबर टू देयर मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नंबर थ्री नंबर ऑफ वर्कर शुड बी मिनिमम कितना, 10 इन केस ऑफ विथ पावर एंड मिनिमम नंबर शुड बी 20 इन केस ऑफ विदाउट पावर, ऑन एनी डे इन द प्रिसीडिंग 12 मंथ्स, ऑन एनी डे इन द प्रिसीडिंग 12 मंथ्स। लेकिन क्या बोला था, फैक्ट्री के अंदर क्या क्या नहीं आता है, फैक्ट्री के अंदर क्या क्या नहीं आता है, नंबर वन रेलवे रनिंग शेड, नंबर टू माइंस, नंबर थ्री रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट यानी ईटिंग प्लेस यानी होटल, एंड नंबर फोर, नंबर फोर गजनी बोलो, नंबर फोर क्या था, चट्टो था, बोल दिए तो रैंक है, माइंस तो हो गया, हाँ मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इतना उसमें ज्ञानबाजी किया था, ब्रिज बनाने चले गए, बोला था ना, फिर उसके बाद अर्थक्वेक आ गया, वहां चले गए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट बोला नहीं फ्लड प्रोन एरिया में चल जाओ, फ्लड रेस्क्यू टीम के तौर पे चल जाओ, घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हाँ डिजास्टर की जगह में घूमते रहते हैं। लिख लिया क्या, यहां तक लिखो, व्हाट इज अ फैक्ट्री, देखो तीन कंडीशन बोला है, क्या क्या, प्रीमाइसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मिनिमम वर्कर, है ना, मिनिमम वर्कर में विथ पावर विदाउट पावर, देयर मस्ट बी प्रीमाइसेस, नंबर टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नंबर थ्री क्या बोला, मिनिमम वर्कर्स, प्रीमाइस होना जरूरी है, देयर मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एग्जाम में आएगा लिख लोगे क्या ढंग से, मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स में विथ पावर विदाउट पावर, विथ पावर मिनिमम
10 वर्कर, विदाउट पावर मिनिमम 20 वर्कर ऑन एनी डे ऑफ द प्रिसीडिंग 12 मंथ्स, ऑन एनी डे ऑफ द प्रिसीडिंग 12 मंथ्स, है ना। और कौन कौन कवर्ड नहीं है? रेलवेज, माइंस, मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, देख रहे हो लिखा हुआ है सब, होटल्स, होटल सीटिंग प्लेसेस और रेस्टोरेंट, होटल सीटिंग प्लेसेस और रेस्टोरेंट, कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हो आराम से। लिख लो। हॉस्टल पे भी नहीं? हाँ हॉस्टल पे भी नहीं, हॉस्टल, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस। इज इट डन? फास्ट 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 फास्ट, हरी अप गाइस, हरी अप। इसके बाद बस एक चीज और पढ़ाया, बताओ क्या? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। एक बात बताओ, अब ये लर्न हो गया, खुद से नहीं लिख लोगे सब? इतना लर्न हो गया खुद से ही लिख लोगे? यस और नो? वेरी गुड। बताओ नेक्स्ट, व्हाट इज अ फैक्ट्री इज डन? नेक्स्ट क्या डिस्कस किया बताओ? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, किसके अंदर दिया गया है? विद सेक्शन, सेक्शन टू क्लॉज, क्लॉज के। हाँ फिर उसके अंदर क्या बोला? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन बोलो। मेकिंग, क्रिएटिंग, ऑल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग एनी आर्टिकल, पीस, चार पांच तो पीस है। पीस के अंदर क्या क्या? प्रिंटिंग था, पावर था, और क्या था? पंपिंग था, और एक प्रिजर्विंग ऑफ द कोल्ड आइटम, ठीक है, स्टोरेज वेयर हाउस, और एक क्या था? एयरक्राफ्ट बनाना, शिप बिल्डिंग। नहीं लिख लोगे अपने आप? लिखना चालू करो ना, टेस्ट करते तुम लोग लिख पाते हो कि नहीं। लिखो, व्हाट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? टू के, मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, सब कुछ आ गया। एनी आर्टिकल, एनी आर्टिकल, पंपिंग ऑफ ऑयल, वॉटर, सीवेज, पावर, प्रिंटिंग, पहला पॉइंट क्या लिखा बताओ? मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग एनी आर्टिकल, लिख लो बस। मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग एनी आर्टिकल, पहला पॉइंट क्या लिखा? मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग एनी आर्टिकल, रिटेन। नंबर टू, पंपिंग ऑयल, वॉटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस, पंपिंग ऑयल, वॉटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस, और ऐसे याद करके लिख लेना कितना पीस है टोटल। चार तो पीस ही है, तो ऊपर में लिखना फोर पीस है इसके अंदर, तो याद रहेगा ना। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, पंपिंग, पावर, प्रिंटिंग, प्रिजर्विंग, और यहां पे क्या बोला? मेकिंग। पहला पॉइंट लिख लिया, मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग एनी आर्टिकल, खाली उतना लिख लो। लिखा पॉइंट नंबर टू, पंपिंग ऑफ ऑयल या फिर वाटर या फिर सुएज और एनी अदर सब्सटेंस, फिर पावर, पावर जनरेशन, शॉर्ट में लिखो पावर जनरेशन, फिर प्रिंटिंग, फिर प्रिजर्विंग इन कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, फिर क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप और वेसल, सब कीवर्ड्स बस लिख लो जल्दी जल्दी, राइट ऑन द कीवर्ड्स। ये हैंड रिटन नोट्स विल सेव योर रिविजन टाइम ड्यूरिंग एग्जाम्स, सो फोकस ऑन द कीवर्ड्स एंड राइट देम, ठीक है। मैथ से भी पूरा मार्क करवा देंगे, क्लियर है, बट पहले लिख लो ये सब।
और फिर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं ना केस स्टडी, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आपको मैट में नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, वहां मिलेगा। तो वहां पे जो मिलेगा यहाँ पे मिला हुआ रहेगा आपको मेरे क्लास में, ठीक है। जैसे क्या क्या बोला बताओ, लैटेक्स वाला एग्जाम्पल दिया, टोबैको लीव्स वाला दिया, प्रॉन को छीलना, बीड़ी बनाना, या फिर सॉल्ट बनाना। आपको पता है समुद्र का पानी से ही सॉल्ट बनता है, सी वाटर इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट, तो वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सोप बनाना, स्टिचिंग ऑफ गनी बैग्स, ये सब एग्जाम्पल्स है जिसके ऊपर एग्जाम्स में केस स्टडी आता है कि बताओ ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि नहीं है। तो अगर केस स्टडी आएगा तो पहले तुम पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन कर देना, डिफाइन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज के ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूड्स दिस दिस दिस। फिर वो एग्जॉस्टिव लिस्ट की बात बोल देना। अब जैसे बोल दिया मेकिंग ऑफ सोप, बोला हियर इन दिस केस स्टडी मेकिंग ऑफ सोप भी क्या है मेरा, इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ न्यू आर्टिकल, सो क्रिएशन ऑफ न्यू आर्टिकल इज व्हाट, अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ऐसे करके लिख देना कंक्लूजन, ठीक है। राइट डाउन मॉइस्टनिंग, मतलब समझ गए ना, मैंने बोला ना आपको वो जो लीव्स है बीटल लीव्स उसको सुखाना, सन ड्राई करना, बोला ना सन क्योर्ड बीटल लीव्स क्या चीज का एग्जांपल है, सन क्योर्ड, CURED, क्योर्ड मतलब क्या, सुखाना। सन क्योर्ड बीटल लीव्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। पीलिंग ऑफ प्रॉन, बीडी बनाना, एक गाना भी था ना बीडी के ऊपर, बीडी बनाई ले जिगर से पिया, गाना भी कितना चीप है, मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। था ना एक गाना, सुने हो क्या वाला गाना, कितना जन सुना है बीड़ी के ऊपर वो जो गाना था, सभी सभी सुने और डांस भी किए। मैम आपको क्या बताएं, बस आप गाना चला दीजिए, हम लोग अपना जलवा दिखा देंगे। उसमें ऐसे स्टेप है ना, ऐसे ऐसे करके, उसी में तो ऐसे ऐसे स्टेप, बाप रे सब याद है तुम लोग को। मेकिंग ऑफ बीड़ीज, मेकिंग ऑफ सोप, मतलब मैं आपको बता रही हूं ना, अभी आगे जाओगे ना और मजा आएगा। ऐसा ऐसा चीज बताया ना इसमें, भयानक वाला हंसी आएगा पढ़ पढ़ के। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना, ये किसके लिए है, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स के लिए, वर्कर्स के हेल्थ के लिए। अब हेल्थ में क्या क्या नहीं बोला है, बोला वर्कर्स के हेल्थ को इन लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं, साफ सफाई रखकर, स्वच्छ भारत अभियान, बाहर नहीं उनके अंदर के भी हेल्थ के बारे में उन्होंने बताया, अंदर का सफाई कैसे रखे। तो आप अपने अंदर का सफाई कैसे रखते हो, गंदगी को बाहर निकालकर, शौचालय से निवृत्त होकर, तो वो सब भी उसमें बताया गया है। अब उसका इंग्लिश टर्म मैं बताऊंगी आपको, मतलब सुन सुन के जो है ना बोलने में भी मेरे को अजीब सा लग रहा है, क्या क्या लिखा है आपके मैट में। मतलब इतना ज्यादा ओपन होकर लेबर लोग के सेफ्टी के बारे में, हेल्थ के बारे में, वेलफेयर के बारे में बताया, क्या ही बोलना उसका। फिर बोले वर्कर्स लोग का वेलफेयर मेंटेन कैसे होगा, उन लोग को आप एरिया प्रोवाइड करिए कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा सुखाने के लिए। फैक्ट्री में मतलब लेबर जो है कपड़ा खोल रहा है, धो रहा है, सुखा रहा है, तो ये सब दिया हुआ है। अरे मैं अपने मर्जी से थोड़ी बोल रही हूँ, फैक्ट्रीज एक्ट में कवर्ड है, बोल रहे आपको प्रोविजन देना पड़ेगा। तो तुम सोच लो अगर फैक्ट्री खोलोगे ना फ्यूचर में, तो ये सब अरेंजमेंट करके रखना, जहां लेबर लोग आए, समझ में आ रहा है, कपड़ा धोने लग जाए, कपड़ा सुखाने लग जाए, तो काम कब करेंगे, उसी में काम भी करेंगे, समझ में आ रहा है। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, फिर ये भी बोल रहा है कि जो मम्मी लेबर लोग आएगी उनको अपने बच्चों को संभालने का भी मौका देना चाहिए, क्रेचेस वगैरह होना चाहिए। 6 साल का बच्चा तो छोटा होता है ना, घर में कैसे छोड़कर आएगी, तो बच्चा को भी आने दो, उन लोग के लिए जगह बना के रखो, तो बहुत मजा आएगा। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जबरदस्त मजा आएगा, ठीक है। फिर बोल रहा कैंटीन वगैरह भी होना चाहिए उन लोग के लिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, मतलब लेबर लोग के ऊपर पूरा नौछावर है ये एक्ट, समझ में आ रहा है। और इनफैक्ट बहुत सारे वर्कर्स को तो पता भी नहीं होगा कि उनको यार इतना सारा फैसिलिटी दिया गया है, और वो चाहे तो ना आप समझ में आ रहे केस कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के ऊपर अगर ये सब फैसिलिटी उन्हें नहीं मिल रहा है फैक्ट्रीज में रहकर। तो बहुत सारा प्रोविजंस है जो कि इसमें बताया गया है कि वर्कर्स के सेफ्टी के लिए, हेल्थ मेजर्स के लिए और उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या करना है। तो आप समझ रहे हो, हेल्थ के लिए बोल रहा है बाहर का साफ सफाई प्लस उनके अंदर का भी साफ सफाई का प्रबंध। और बुक में इतना खोल खोल कर लिखा है ना, ये तक बता दिया गया है कि एक वॉशरूम में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए वो सिस्टम होना चाहिए जिसपे आप डेली क्या ही बोले आप, मतलब मैं बता रही हूं ना, मैं रीड करूंगी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे, आपको समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू हिंट एट। जैसे हैव यू सीन दैट मूवी, एक मूवी आया था अक्षय कुमार का इसके ऊपर, क्या था ना उस मूवी का नाम, अरे हाँ मूवी का नाम भी तो ऐसा ही है, मूवी का एक नाम नहीं आया था जो उसके ऊपर ही था, समझ गए ना। तो उसी के बारे में पूरा कहानी लिखा गया है, सेफ्टी कैसे करें। अब ये तक लिखा गया है कि वो एक तो वो जो होता है उसमें कितना जन को बैठना अलाउड है, ये सब लिखा हुआ है खोल खोल कर। तो मतलब मैं बता रही हूँ ना, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, जमीन में लेट लोट पोट हो जाओगे,
इतना मतलब ऐसा ऐसा बात लिखा है, इतना पर्सनल पर्सनल बात लिखा गया है एक्ट के अंदर, जो कि शायद लेबर लोग को भी नहीं पता होगा भाई कि हम लोग को इतना सारा जो है ना फैसिलिटी दिया गया है। तो बता देना कोई लेबर अगर आसपास दिखेगा, बताना तुमको ये सब मिल रहा है कि नहीं प्रोविजन, तुम्हारे लिए क्या क्या प्रोविजन है, बाप रे माई गॉड। ठीक है बताओ, लिख लिया क्या एग्जाम्पल? अच्छा, नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या बोला, न्यूज इम्पार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग पिक्चर प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स पैकेजिंग। थैंक यू सो मच आरजी गेमर, आरजी गेमर बोल रहा है मैम इतना डेप्थ में पढ़ाते हो, थैंक यू। बाकी सब टीचर सिलेबस खत्म कराने में लगे हुए, सिलेबस तो भाई मेरे को भी खत्म कराना है, लेकिन सिलेबस खत्म कराने की होड़ में अगर मैंने आपको कंटेंट ही नहीं दिया तो फायदा क्या है सिलेबस खत्म करवाने का, समझ में आ रहा है? और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सबसे क्वेश्चन आएगा, आपको नहीं लग रहा पढ़ के इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, फिर फैक्ट्री किसको बोलते हैं, कितने शेड्यूल हैं, फिर उसके अंदर कितने सेक्शंस है, कौन सा शेड्यूल किससे डील करता है, ये सब तो एमसीक्यू में आ ही सकता है ना बाबा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते हो सब्जेक्ट से, आई विल बी टेकिंग वेरी वेरी स्लो स्लो स्टेप्स। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको क्लास में ही सब चीज लर्न हो जाए और घर में जाकर मात्र 15 से 20 मिनट लगे टू रिवाइज द टॉपिक। सच्ची सच्ची बताना, आज जो टॉपिक किया घर जाके कितना टाइम लगेगा रिवाइज करने में, ऑनेस्टली टेल मी, 10 to 15 मिनट्स, वेरी गुड। बट सेम डे जाके अगर रिवाइज नहीं करोगे, भावनाओं में बह जाओगे, ये मेरा गारंटी आप भूल जाओगे, दिस माई गारंटी आप भूल जाओगे। क्लास में लगेगा भाई सब कुछ लर्न हो गया, बट घर जाके सेम डे रिविजन करना भी उतना ही एसेंशियल है। ठीक है ना, बताओ क्लियर है? बताओ, ये पूरा हमने आज का फर्स्ट क्लास किया। आज मुझे मौका नहीं मिला आपको डिजिटल नोट्स दिखाने का, क्योंकि वो डिजिटल नोट्स मैंने बोला ना किसके ऊपर है, सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के ऊपर है, कि उड़ीसा का एक फैक्ट्री है जहाँ पे वर्कर्स के हेल्थ सेफ्टी को कैसे मेंटेन किया जाता है, उसका पूरा एक वीडियो क्लिप है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास दिखाऊंगी। ठीक है,